Hey guys, assalamu alaikum, sat sri akal, I hope aap sabhi bahut acche hoge, hum bhi bahut acche hain, main hoon Rania, main hoon Rohan, aur aap dekh rahe hain Hindustani Couple Reaction, to hum aa gaye aapke liye ek new video lekar, us video ka title hai, Mia Bibi ne Islam qubool kiya, to ye video bahut hi interesting hone wali hai, aap log bhi is video ko last tak zarur dekhna, to dekhte hain guys, in husband wife ke life mein Islam kaise aaya, kaise ye itna zyada Islam se attract hue, इन्होंने इस्लाम कबूल करना ही ठीक समझा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक के देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नौ मुस्लिम बहन की ईमान अफरोज स्टोरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऐसी बहन की है जिनका ताल्लुक ईसाई घराने से था, लेकिन ये अपने ईसाई मज़हब से मुतमईन नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है जिसके ज़रिए इन्हें इस्लाम के बारे में पता चलता है और ये अपने शौहर के साथ इस्लाम में ही दाखिल हो जाती हैं। ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम आला है और मेरा ताल्लुक यूक्रेन से है। इस्लाम में दाखिल होने से पहले मैं क्रिश्चियन थी और मेरे जहन में मुख्तलिफ किस्म के सवालात हर वक्त उठते थे। चर्च में बुतों को देखती थी और उसमें मोमबत्तियों के निशान बने होते थे, तो मुझे पता नहीं था कि मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा। जब मैं पादरी के पास जाती तो मैं इस तरह महसूस करती कि जैसे मेरे और खुदा के दरमियान पादरी मौजूद है। मैं उमूमन दरमियान में पादरी से पूछती कि क्या आप मेरे गुनाह माफ़ कर सकते हैं, ये जो कुछ मैं कह रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो वो जवाब देता था कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो मेरे दिमाग में एक धचका सा लगा कि ये कैसी बात है, तो फिर आप क्यों दरमियान में बैठे हैं। Past life I was Christianity and I have so much questions about is right way to what I choose, what I'm Christian and how what I go every time in church. I see idols, icons, candles, also some emblems, and it's right way to what I doing or not. I go to priest because you know, this is like between God we believe it and us somebody stay on the middle. So I say, can you forgive me what I'm doing and what I say? And him answer no. This is like for me and I was surprised too much. उस वक्त मैं सोचती थी कि मुझे अपनी जिंदगी तब्दील करनी चाहिए, मैं इस रविश पर नहीं जा सकती। मुझे अपनी जिंदगी में कमी महसूस हो रही थी कि फिर अचानक अल्लाह ने मुझे चंद दोस्त मिला दिए और फिर उन्होंने मेरे शोहर को अमारात में बुलाया। मैं बहुत खुश हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक मुसलमान मुल्क में आ गई हूँ, और इस वजह से भी खुश थी कि चलो अब मैं इस्लाम के बारे में भी कुछ न कुछ जान सकूंगी। और फिर इसी तरह वक्त के साथ साथ मैंने शहादा पढ़ा और मुसलमान हो गई। उस वक्त मैं खुशी से बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे साथ मेरी सहेलियाँ और मेरे सारे दोस्त रो रहे थे। जब मैंने कलमा पढ़ा तो मेरे सभी अहबाब बहुत खुश हुए और कह रहे थे कि अब तुम एक नौमौलूद बच्चे की तरह हो और तुम्हारे सारे गुनाह धुल चुके हैं। सब लोग बहुत खुश थे। इससे पहले मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी, लेकिन अब इस्लाम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल तौर पर अपना मुकदमा अपने वालिदैन के सामने पेश कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। मैं बहुत झगड़ालू थी और उनके साथ हर वक्त लड़ती थी। अब इस्लाम कबूल करने के बाद मुझमें गुस्सा बर्दाश्त करना और सब्र करना आ गया है। अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ। अब मैं किसी किस्म का भारीपन और घुटन महसूस नहीं करती। मैं काफ़ी खुश अखलाक बन गई हूँ। इस्लाम में दाखिल होने के बाद इस वक्त मैं बहुत पुरसकून हूँ और खुश रहती हूँ। और अब मैं और लोगों को भी कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। जब आप शहादा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल आसान हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह हमें हर मिनट और हर सेकंड और हर वक्त देख रहा है। बस घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आप इस इंतजार में नहीं रहें कि आपको नींद में या ख्वाब में कोई आएगा और आपको इस्लाम की तरफ दावत देगा या कोई मौजजा हो जाएगा। बस सिर्फ अपने दिल में जगह पैदा करना है और अल्लाह पर तवक्कुल पैदा करना है और बस शहादा पढ़ लें। Don't worry, it's very easy to say shahada and to be more friendly and help for people easily because Allah, He saw us always, every second, every minute, every hours. So no need to wait for something dream or something happens with you strange or you will be sick. No need, just open your soul and say shahada. दोस्तों आज के इस वीडियो के बाद वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था रियली। इन्होंने जो बोला बात कि इस्लाम कबूल करने के बाद इन्हें पेशेंस आ गया और गुस्से में कंट्रोल करना सीख गए, ये बहुत अच्छी बात बोले। क्योंकि अगर हम सही रास्ते में नहीं रहेंगे तो हमें गुस्सा आते ही रहेगा, हमारे जो दिमाग है बहुत जगह से मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, एक जगह स्थायी नहीं रहेगा, वो बहुत जगह कन्फ्यूज होता रहेगा। सो गाइस ये था स्टोरी, बहुत अच्छा। मतलब इस लड़की ने अभी यूक्रेन किया है, वहाँ क्या सिचुएशन चल रहा है, उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया जो कि बहुत अच्छी बात है। सो गाइस आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव गाइस।